हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पूर्व प्रधान के पुत्र के हत्या आरोपी 25,000 के दो इनामी अभियुक्तों को एक मुठभेड़ में पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने कहा शेष अभियुक्तों की भी जल्द होगी गिरफ्तारी। बहराइच से खलीलाबाद के लिए केंद्र सरकार ने पास किया नई रेलवे लाइन। विदेशी पर्यटकों के साथ चार जिलों के लोग होंगे लाभान्वित। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित आनंद कटरा में मोबाइल की दुकान चलाने वाले एक युवक को बदमाशों ने मारी गोली। तफ्तीश में जुटी पुलिस। नंदानगर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे अंडरपास का काम जोरों पर। सीपीआरओ ने कहा अब 28 को बंद रहेगा इस रूट पर ट्रेनों का संचालन। जीआरपी ने गायब 21 मोबाइल को किया बरामद। मोबाइल के असली हकदार को सौंपा। सीओ जीआरपी ने कहा सर्विलांस टीम की मदद से लोगों को मिला उनका मोबाइल सेट। 37वें दीक्षांत समारोह सप्ताह के अंतर्गत विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में रस मंजरी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। हरियाणा से बिहार जा रही 800,000 की अवैध देशी शराब को पुलिस ने किया जब्त। एक अभियुक्त भी हिरासत में। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2018 का कमिश्नर ने किया शुभारंभ। गोरखपुर ने जीता प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच। चोरी के दो मोबाइल सेट तथा 400 रुपये के साथ तीन अभियुक्तों को सजनवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एबीपी ने छात्राओं को ताइक्वांडो का दिया प्रशिक्षण। यातायात नियंत्रण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने यातायात पुलिस के साथ लोगों को किया जागरूक। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। राफेल कराल की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दिया धरना। और महिला जिला क्रिकेट लीग में टीडीएम वुमेन ने माही के एस स्पोर्ट्स को 8 विकेट से हराया।